आले तिर्मिज़ी में हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है, बयान फरमाते हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खिलाफ मामूल अपने दौलत कदे से बाहर तशरीफ़ लाए। आम तौर पर उस वक़्त आप बाहर तशरीफ़ नहीं लाया करते थे और न कोई आपकी खिदमत में मुलाकात के लिए हाजिर हुआ करते थे। कुछ देर न हुई कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुए तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, तुम्हें किस चीज़ ने मेरी खिदमत में हाजिर किया? तो अर्ज़ करते हैं, खरजतु अल्क़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन्ज़ुरु फ़ी वजहिही व तस्लीमी अलैह। मैं अपने घर से इसलिए निकला हूँ कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करूं और आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत की सआदत हासिल करूं और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करूं। कुछ देर न हुई कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु खिदमत में हाजिर हुए तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, तुम्हें किस चीज़ ने हाजिर किया है? तो अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर, भूख ने मुझे आपकी खिदमत में हाजिर किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी कदर भूख का एहसास मैं भी कर रहा हूँ। उसके बाद हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों हजरात को अपने साथ लिए हुए। अबुल हैसम बिन तैहान अंसारी एक सहाबी हैं रज़ियल्लाहु अन्हु के बाग की तरफ चल पड़े। वो इत्तेफाक़ से घर पर मौजूद नहीं थे और वो सहाबे किराम में ऐसे सहाबी थे कि जिनके बाग में काफ़ी खजूर के दरख्त थे और बहुत सी बकरियाँ थीं। उनकी अहलिया मोहतरमा से आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारे खाबिन कहाँ हैं? तो अर्ज़ की, हुजूर, मीठा पानी लाने के लिए वो गए हुए हैं। बस उसके फौरी बाद वो एक मशकीज़े में मीठा पानी लिए हुए आ गए। उन्होंने इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दोनों सहाबा के हमराह देखा तो खुशी की इंतहा न रही। फौरन मशकीज़ा रख कर वफूर मोहब्बत में हबीब करीम अलैहिस्सलाम से चिमट गए और इंतहाई खुशी के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम को और उन दोनों सहाबियों को अपने बाग की तरफ ले गए और एक दरख्त के साए में चटाई बिछाई और गुजारिश की कि आप यहाँ तशरीफ़ रखें। उसके बाद वो खजूर के दरख्त से एक खोशा उतार कर लाए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुमने पक्की खजूरें उतार कर क्यों नहीं लाई? पूरा खोशा ही ले आए हो। अर्ज़ किए, हुज़ूर, मैंने चाहा कि इसमें से पक्की खजूरें और जो पकने के करीब हैं वो खजूरें आप अपनी पसंद से तनावुल फरमाएं, इसलिए मैंने खोशा ही आपकी खिदमत में पेश कर दिया। उसके बाद वो मीठा पानी लाकर पेश किए। हज़रत रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इन दोनों सहाबे किराम के साथ खजूर तनावुल फरमाने के बाद पानी नोश फरमाया और इरशाद फरमाया, ये उन नेमतों में से है जिनके बारे में बरोज़ महशर तुमसे सवालात होंगे। साया भी ठंडा है, पानी भी शीरी और मीठा है, पक्की खजूरें हैं, उम्दा खजूरें हैं, मीठा पानी है, इनके बारे में कल सवाल होगा। ये वो नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमें अता की। उसके बाद वो सहाबी अबुल हैसम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की ज़ियाफ़त के लिए खाना तैयार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, देखो, किसी दूध देने वाली बकरी को ज़बह न करना। तो वो तेज़ी से गए, साल से कम उम्र की भेड़ या बकरी ज़बह की और सालन खाना ताम जो उस वक्त का दस्तूर था तैयार किया और ख़िदमत बाबरकत में पेश किया। हज़रत रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तनावुल फरमाने के बाद उनसे इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास कोई खादिम नहीं है? तो अर्ज़ करने लगी, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई खादिम तो नहीं है, मैं ही काम कर लेता हूँ। हज़रत रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब हमारे पास क़ैदी ग़ुलाम आ जाए तो मेरे पास आप आ जाओ, आपको मैं खादिम अता फरमा दूँगा। चुनाचे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत बाबरकत में दो क़ैदी ग़ुलाम हाजिर किए गए थे, उनके साथ कोई तीसरा ना था, दोनों ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर आए थे। आप अलैहिस्सलाम ने अबुल हैसम सहाबी को इरशाद फरमाया, इन दोनों में से जो आपको पसंद हो ले लो। वर्ज़ करते हैं, हुज़ूर, मेरे लिए आप जो मुनासिब समझे पसंद फरमाएं।
तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जिससे मशवरा लिया जाता है वो अमानतदार होता है, इन्नल मुस्तशारा मुतमनून। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने उनमें से एक गुलाम की जानिब इशारा करके फरमाया, इसको तुम ले लो क्योंकि मैंने इस गुलाम को नमाज पढ़ते हुए देखा है और तुम इनके साथ बेहतर सलूक करना। वो अपने उस अता करदा खादिम और ग़ुलाम को लेकर घर पहुँचे, अपनी अहलिया मोहतरमा से जिक्र किए कि ये ग़ुलाम हुजूर ने अता किया है और ये इरशाद फरमाया है कि इसके साथ बेहतर सलूक करना। तो आपकी ज़ौजा मुतहरा कहने लगी, हुजूर अलैहिस्सलाम के इरशाद पर हम अमल पैदा उसी वक्त हो सकेंगे, आपको हुजूर ने अच्छा सलूक करने की तलकीन फरमाई है, तो इस पर आप मुकम्मल तौर पर अमल पैदा उसी वक्त हो सकते जबकि आप इसको आज़ाद कर दें। चुनाचे उन्होंने उसी वक्त उस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और ये तफसील अर्ज़ की तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जिस किसी पैगंबर को भेजा या जिस किसी को खलीफा मुकर्रर किया उनके दो बाएतमाद दोस्त रहे, एक दोस्त तो वो होता है जो भलाई का हुक्म देता है और एक दोस्त वो होता है जो बुराई का हुक्म देता है, बुराई की तरफ ले जाने में कोई कमी नहीं रखता। जिस शख्स को बुरे दोस्त से बचा लिया जाए वो मुकम्मल शर से महफूज हो गया। यानी इरशाद का मतलब ये था कि हर इंसान के साथ, हर नेक आदमी के साथ दो काबिल एतमाद दोस्त होते हैं, एक दोस्त भलाई का हुक्म देता है, तो आपकी बीवी ने आपको सही मशवरा दिया जिसके नतीजे में अच्छा सलूक भी ये हुआ कि उसको आपने आज़ाद कर दिया, अल्लाह के पास आप मकबूल बन गए, अल्लाह की खास रहमतों के हकदार बन गए। इससे ये बात हम पर खुलती है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम किस तरह अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम से वालिहाना मोहब्बत फरमाते थे। और इस हदीस की इब्तिदा में ये है कि वो वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम के आम तौर पर दौलत कदे से बाहर आने का नहीं था, खिलाफ मामूल आ गए और अचानक उसी वक्त सिद्दीक़ अकबर भी हाजिर आए और उन्होंने वजह क्या बयान की, हुजूर भूख की शिद्दत में मैं बेताब होकर आया हूँ, नहीं कहा, मैंने इसलिए हाज़िरी दी है हुजूर कि आपका दीदार करूँ और सलाम अर्ज़ करूँ। इससे ये मालूम होता है कि भूख की कैफियत में हुजूर के चेहरे अनवर की ज़ियारत करके तसल्ली का सामान कर लिया करते थे, ये भी उनकी जानिसारी का करतास था। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो भूख का एहसास अपना तज़किरा फरमाया है इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम किसी के मोहताज थे, बल्कि अहादीस शरीफा में ये भी आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। जामे तिर्मिदी अब्बाब ज़ुहरी की हदीस पाक है कि कहते हैं, अरदा अलैया रब्बी यजअल ली मदहा मक्का ज़हबा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझसे ये फरमाया कि महबूब आप चाहो तो मक्के के संग्रेज़ों को, पहाड़ों को सोने में तब्दील कर दो, लेकिन आप फरमाते हैं कुल, तो मैंने कहा ला या रब्बी, नहीं ऐ मेरे परवरदिगार, मैं ये संग्रेज़ों को, इन पहाड़ों को सोने में तब्दील कर दिया जाए नहीं चाहता हूँ, वलाकिन अशबाऊ यौमन व अजू यौमा, मैं एक दिन खाना चाहता हूँ, एक दिन भूखा रहना चाहता हूँ, जब मैं खाऊंगा तो तेरा शुक्र बजा लाऊंगा, तेरी हमद सना करूंगा, जब भूखा रहूंगा तो तेरा जिक्र करूंगा, तेरी तरफ लौ लगाऊंगा, आह गुजारी करूँगा।